अभी तक क्या जानकारी मिली थी? अभी तक ये चला भी कोई हादसे से गोली चली पास से, हादसे से वो कील के चक्कर में नहीं यहाँ पर तो कोई आया हुआ था अंदर पेशी पे आया हुआ ये सुने मारे भी कोई आया था गवाह वो साथ कोई गनमैन थे तो इत्तेफाक से चल इत्तेफाकिया गोली चली इत्तेफाकिया चली इत्तेफाकिया गोली चली है। यहाँ पर ये देखिए ये गोली के निशान है यहाँ पर वकीलों के चैम्बर के बाहर ये हादसा हुआ जो है इत्तेफाकिया गोली लगी है। ये देखिए शीशा भी टूटा हुआ आगे आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये शीशा टूटा हुआ यहाँ पर पता लग पाएगा कि कैसे जो है गोली चली है। सीआईए की टीम जो है मौके पर पहुंची है। ये शीशा भी टूटा हुआ है वायसो पानी के जरिए आप लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। शेयर जरूर करें। गोली चली है सही की टीमें जो है मौके पर मौजूद है। ज्यादा इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या हुआ लेकिन फिलहाल सीआईए की टीम मौके पर मौजूद है। कैसे हादसा हुआ इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई। इत्तेफाकिया जो है कह रहे हैं कि गोली लगी है। वकीलों से बात आप यहीं थे जब हुआ? नहीं नहीं क्या पता चला यहाँ पे? यहाँ पे गोली चली है और एक सर्रा इसको सपना है यहाँ बैठी उसको लगा है और बाकी इधर सिक्का वगैरह इधर आया है जो वो लगा है। यहाँ पे कुछ था उस समय? हाँ यहाँ पे बैठे हुए थे वकील साहब बैठे हुए थे। वकील साहब आप यहीं थे जब हुआ? एक मिनट रुको आप यहीं थे जब हुआ? आप बैठे थे, मैं तो अपना काम कर रहा था वहाँ पे। यहाँ वकील साहब बैठे थे, यहाँ हमारी जूनियर है गुड़िया वो बैठी थी। पता नहीं बाहर से एकदम आवाज आई और ये शीशे के अंदर शीशा सारा टूट गया और ये सारा यहाँ तक आ गिरा। अच्छा तो यहाँ किसने बाहर देखा तो कोई पुलिस वाले कोई मुलजिम ले रहे थे, कोई प्राइवेट पर्सन था और ले रहा था। अच्छा ऐसे तो वो देख के पता नहीं फिर कहाँ गए। ये पुलिस वाले जैसे इत्तेफाकिया लगी कुछ ऐसा इत्तेफाकन हुई हो सकता है? हमारे साथ तो कोई रंजिशन है नहीं ना, हमारे पास कोई ऐसा केस था अब भाई जिस तरह हमारी कोई किसी से दुश्मनी हो ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल अभी तक सस्पेंस बना हुआ है गोली कैसे चली है तो एक बार फिर से बातचीत करने का। बेटा आप यहीं थे, आप थोड़ा से इधर आना एक बारी। क्या हुआ था? हम सब अपना अपना काम कर रहे थे यहाँ बैठे, एकदम से गोली मतलब आवाज आई बहुत ज्यादा और कांच पूरा शैटर्ड हुआ सारा। बस इतना ही देखा था और फिर एक आदमी था जिसके पास गन थी उतना देखा और फिर वो चला गया। बस इतना ही सब हुआ था। हम ये बैठे हाँ जी एकदम से टूटा ना सारा, हमारे पूरा इधर तक आया था आगे तक। ये गुड़िया यहाँ पर बैठी हुई थी जूनियर है वीडियो साथ के साथ शेयर जो करें। पानीपत के कोर्ट परिसर जो माफ किया जाए जो वकीलों के चैम्बर है वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ से हड़कंप मच गया है। वीडियो साथ के साथ शेयर जो करें। ये गोली जो है ना इंटेंशनली चली है, अगर कोई किसी के साथ गनमैन भी है तो लोड लेके यहाँ लेके आता है कि इसलिए हमारी क्या सिक्योरिटी रहती है? हमें भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास क्रिमिनल्स आते हैं, क्रिमिनल्स के साथ उनके अगेंस्ट गवाह आते हैं और उनकी एक इंटेंशन होती है कि गवाह को मारा जाए या किसी तरह थ्रेट करके हटाया जाए। तो हम नहीं मानते कि इत्तेफाकिन चली है, कोई ना कोई प्री प्लान हो सकती है। आपको क्या पता लगे किसके साथ आया था, कौन आया था? हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कौन किसके साथ आया था, लेकिन हमारे चैम्बर में गोली चलना ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है और हम सब की सिक्योरिटी कोई है ही नहीं। तो पुलिस इत्तेफाकिया कैसे कर रही है? इत्तेफाकिया लग गई है पुलिस का क्या है? पुलिस तो कहती रहेगी, हम कैसे माने इत्तेफाकिया चली है? कोई भी आदमी यहाँ लोडेड गन लेके आता है इसलिए अगर कोई मर जाता है यहाँ बाई चांस मुलजिम के साथ हम लोग भी चलते हैं, हमारा मुलजिम होता है हमारा गवाह होता है हम उसके साथ जाते हैं, वो गोली हमें भी लग सकती थी। वकील साहब क्या वकील ही थे गोली चली है? नहीं जी वकील कोई यहाँ आर्म लेके आता ही नहीं है। अच्छा तो ये बाहरी व्यक्ति थे? बाहरी व्यक्ति था या कोई या तो कोई मुलजिम था या उसके साथ कोई गनमैन था या कोई गन आ गया पिस्टल आ गया ये भी सिक्योरिटी लैब्स है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी सिक्योरिटी है ही नहीं कुछ। क्रिमिनल्स आते हैं यहाँ, केसेस जो है क्रिमिनल्स के हैं, उनके जो गवाह हैं उनको थ्रेट करते हैं क्रिमिनल्स, तो हमारी क्या सिक्योरिटी रहेगी फिर? हम ये कह रहे हैं मैं नहीं मानता, मेरा पर्सनल व्यू है कि वही इत्तेफाकिन चली है। आप बताओ ये जो इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर गोली चली, कोर्ट परिसर में गन लेके आना और हम तो काम ही यही करते हैं, सेफ्टी हमारी सेफ्टी कहाँ है? अगर गोली चलना है बहुत बड़ी बात है कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चैम्बर कॉम्प्लेक्स में, क्या पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है जो गन लेके यहाँ पर आया और गन से चाहे वो कैसे भी चली चलाई गई है जो भी, हम क्या यहाँ पे सेफ है? यहाँ हम सेफ नहीं है,
तो इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, एसपी साहब को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। यहाँ पर इस तरह के क्रिमिनल जो व्यक्तित्व हैं वो आते ही रहते हैं, तो ऐसे तो कल को रोज ही यहाँ पे गोलियां चलेंगी। ये सिक्योरिटी का मामला है, हर एंट्री पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी का आदमी खड़ा हो, जो कि बाहर के आदमी आते हैं उनकी सर्च करे, उसके बाद अंदर आने दे चैम्बरों के अंदर के भी उसके पास कोई आर्म है, अगर कोई आर्म है तो उसको बाहर रख के आवे, जिससे कि वकीलों की सिक्योरिटी हो सके। ये काम पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि आप ये तो पुलिस वाले खड़े हैं इधर उधर सारे के खड़े हैं, आपने देखा है जो भी आता है क्या सकती है, उन्होंने कुछ भी आर्मी से दिया गया उनको रद्द करने चाहिए थे सारे, हर पॉइंट के ऊपर आप भी अंदर आए देखा होगा पुलिस वाले खड़े हैं, क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। इस मामले में फिर एसपी से मिलोगे आप लोग, कहोगे कि सुरक्षा बढ़ाई जाए यहाँ पर? ओहो, उनका नहीं काम है क्या सुरक्षा देने का करने का? पुलिस सॉरी है हर जगह, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ मिनी सेक्रेटेरिएट है, उनको देखना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी का काम तो होता है ना, लायर चैम्बर में सिक्योरिटी क्यों नहीं है? जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरी सिक्योरिटी है तो हमारे लायर चैम्बर्स में क्यों नहीं होनी चाहिए? ये मुद्दा है सिक्योरिटी का, और कोई वकील और इस लायर बिल्डिंग में कोई भी सेफ नहीं है, तो हम प्रशासन से ये कहेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, कोई भी चाहे लाइसेंस ही है बिना लाइसेंस ही है कोई भी हथियार लेके इस बिल्डिंग में नहीं आएगा, ऐसी हम मांग करते हैं। इसमें पुलिस की बिल्कुल लापरवाही 100%, और जिनकी यहाँ पर ड्यूटी बनती है सुरक्षा की उसमें कोताही है, उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, जिससे कि आगे से ऐसा हादसा ना हो। बिल्कुल आगे से हादसा ना हो। आपको बता दें कि गोली चली है वकीलों के चैम्बर में, और ये गन के गोली के निशान है, वीडियो कॉल के साथ शेयर जो करें, और जैसे ही गोली चलने की सूचना आई तो हड़कंप को मच गया यहाँ पर। गोली किसने चलाई अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। ये क्या हुआ यहाँ पे? मैडम बैठी थी सपना स्टेशनरी की जो विक्रेता है, उनको जब गोली चली तो टेबल के नीचे से पैर नीचे थे, उनको छर्रा लगा है पैर में, जिसको पुलिस लेके गई है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लेके गई है मैडम को, छर्रे लगने से बच गई, कोई भी हादसा हो सकता था, जा सकती थी मैडम। है वकीलों के चैम्बर के बाहर गोली चलती है और गोली चलाने वाले आराम से निकल जाते हैं, हालांकि पुलिस इतफाकिया कर रही है, लेकिन वकीलों में इस बात का रोष बना हुआ है कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इतनी सुरक्षा है तो वकीलों के चैम्बर में कोई नहीं। इस बारे में और भी बड़ी अपडेट होगी तो हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।